संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग जनरल सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी न्यूरो सर्जरी नेत्र रोग फिजियोथेरेपी स्त्री एवं प्रसूति रोग हृदय एवं शुगर रोग हड्डी एवं जोड़ रोग कार्डियोलॉजी दंत रोग इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। आज सिरसा में तमाम कांग्रेस के नेतागण और जिला कांग्रेस कमेटी के प्रावधान से हमारे सेंटर के नेतृत्व के आदेश से जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने महंगाई बढ़ाई है, जिस प्रकार से जो डीजल पेट्रोल और सबसे महत्वपूर्ण जो गृहणियों को और पूरे परिवार को प्रभावित करता है गैस का रेट एकदम 50-50 रुपये बढ़ा देना, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक नेतागण आज सड़कों पर है और उसके खिलाफ आज महामहिम राष्ट्रपति जी को हम ज्ञापन देने जा रहे हैं कि सरकार को समझाइए और इस सरकार को आदेश दीजिए कि जो महंगाई है जिस प्रकार से आपने बढ़ाई है उसको वापस लीजिए। और दूसरा कि जिन वादों के साथ आप आए थे, कभी इनको महंगाई है वो डायन लगती थी, आप 2014 के आंकड़े लेके देखोगे तो 350 से 400 रुपये तक का एक गैस का सिलेंडर था, आज 1000 रुपये का हो चुका है। और ये सरकार है ये आंखें मुंदे बैठी है और उसको बढ़ाई जा रही है। हर चुनाव के बाद अगर चुनाव हार जाती है तो 2 रुपये घटा देती है, अगर जीतती है तो पता नहीं इनको क्या खुशी होती है कि ये डीजल पेट्रोल और तमाम जो आम आदमी की ज़रूरतें हैं उनको महंगाई के रूप में जनता को तोहफा देते हैं। तो हम इस सरकार को आज इस ज्ञापन के माध्यम से सचेत करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उनको वापस लें, अन्यथा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जन एक एक नेतागण सड़कों पे आ जाएगा और इस सरकार की जड़ें हिलाने का काम करेगा। ये इन्होंने कंपटीशन कर रखा है, एक दिन बढ़ाते हैं, दूसरे दिन वहीं पे स्थिर रहते हैं, फिर तीसरे दिन फिर और बढ़ाते हैं। एक दिन का मरहम सिर्फ बीच में दिया जाता है और जिस प्रकार से ये आम आदमी को मैं कहता हूँ ये प्रताड़ना है, इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है कि महंगाई के माध्यम से, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। देश में इस प्रकार की महंगाई बढ़ती है तो देश की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। आम आदमी है वह जो गरीब था पहले ही, जिस प्रकार से अच्छे दिनों का जो एक सपूगा था वो अब गायब होता जा रहा है और जो बुरे दिन है वो जनता के हाथ में। जो मोदी की जो हिटलरशाही चल रही है, जो पेट्रोल डीजल की बात हो चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे व्यापारी की बात हो, चाहे गरीब आदमी की बात हो, आज हर वर्ग अपने आप को मायूस महसूस कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का हमारा आज का पूरे राष्ट्रीय कांग्रेस जितनी भी है सभी स्टेट्स में आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है, सभी जिलों में प्रदर्शन किया जा रहा है, हल्के वाइज भी इस आंदोलन को बढ़ाया जाएगा, यूथ कांग्रेस भी इसमें आगे आकर आंदोलन को इसको बढ़ाएगी। जो ये मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल के जो रेट बढ़ाए हैं, जो सिलेंडर गैस के रेट बढ़ाए हैं, जो लोगों को चूल्हे पे उनको जो वार करने का इन्होंने काम किया है, इसको कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी हर वर्ग के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।